चैनल आज हम लोग मैक्रोनी बनाने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड आवर रेसिपी। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स है, हमें चाहिए मैक्रोनी, 250 ग्राम हमने मैक्रोनी ली है, 1 टेबलस्पून इमली केचप, 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी, 3 टोमेटो लिए हमने, इसको फाइनली ग्राइंड कर लिया है स्मूथ पेस्ट में, 1 कप हमने प्याज लिए है बारीक चॉप की हुई, ये हमने लिया है टोमेटो केचप 1 टेबलस्पून, रेड चिल्ली सॉस लिया है 1 टेबलस्पून, ऑयल लिया है 1/2 कप, और हमें कुछ ड्राई स्पाइसेस चाहिए। नमक 1 टेबलस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, पास्ता मसाला 1 टेबलस्पून, हींग 1 चुटकी। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हमें पानी ऐड करना है, उसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून नमक, उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है, और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है, अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड कर देंगे। देखिए हमारी मैक्रोनी कुक हो चुकी है, हम इसे अगर तोड़े तो आसानी से टूट जा रही है। अब हमें इसे एक छन्नी में छान लेना है, और एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हमें ऑयल ऐड करना है। अब हमें इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करनी है, अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, पास्ता मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, हींग, नमक, मिर्ची पाउडर और ज़ीरा, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हमें इसमें सॉस ऐड करने हैं, इमली केचप, रेड चिली सॉस, शेजवान चटनी,
टोमेटो केचप और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारे मसाले से ऑयल स्प्रेड हो चुका है। अब हम इसे अपनी मैक्रोनी ऐड कर लेंगे बॉईल की हुई। और इसे मसाले के ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी बनके तैयार है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। देखिए हमारी टेस्टी और डिलीशियस मैक्रोनी तैयार है। होप कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएंगी। अगर रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।